सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट 5G OIS कैमरा मोबाइल अंडर 15,000। तो दोस्तों आपको अगर चाहिए 15,000 के अंदर बेस्ट कैमरा सेंट्रिक OIS वाला मोबाइल तो वीडियो में बने रहना। इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे ही डिवाइस के बारे में फुल डिटेल्स में बात किया है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे इन तक जरूर देखना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाले मोटोरोला की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस मोटो G64, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक होगा और डिवाइस की वेट 192 ग्राम होने वाला है। तो डिवाइस काफी हल्का है। दोस्तों मोटोरोला की सभी डिवाइस की जो लुक एंड डिजाइन है वो एक जैसा ही होता है, यहाँ पे भी आपको सेम लुक एंड डिजाइन मिलने वाला। तो नेक्स्ट बात किया जाए इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है 85.5 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो दोस्तों इस डिवाइस पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों 14,000 की मोबाइल में आपको OIS की सपोर्ट दिया गया है, जो काफी अच्छी बात है। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ इस डिवाइस पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है, जो इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी अदर ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता। कोई भी बात किया जाए फोन कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते। और दोस्तों बात किया जाए कैमरा क्वालिटी की, तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी डिसेंट सा फोटो और वीडियो क्वालिटी निकल के दे देता है। नेक्स्ट बात किया जाए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस पे इंडिया का फर्स्ट एक न्यू चिपसेट यूज होने वाला है, जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 प्रोसेसर, जो 6nm पे बेस है। ये इंडिया की फर्स्ट इस डिवाइस पे ही यूज होने वाला है। और दोस्तों बात किया जाए रैम रोम की, तो इस डिवाइस की आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, जब बेस वेरिएंट होगा 8GB 128GB और जो सेकेंड वेरिएंट वो होगा 12GB 256GB। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाय कर सकते हो। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो इस डिवाइस पर आपको मिलने वाला है 6000mAh का लार्ज बैटरी विथ 30W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से 50% चार्ज सिर्फ 33 मिनट पे होने वाले। तो इस प्राइस पॉइंट पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है, जो काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये तो गया इसके मेन फीचर, अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में। तो इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलने वाले है, 3.5mm जैक मिलेगा, उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको स्टेरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 पे रन होने वाले और एंड्रॉइड 15 तक अपडेट इस डिवाइस पे आपको मिलेगा। और दोस्तों ये एक 5G डिवाइस है, जहाँ पे आपको 14 5G बैंड मिलने वाले है, तो इंडिया पे अवेलेबल सभी 5G बैंड को ये सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों ये तो गया इसकी सभी फीचर, आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस वेरिएंट 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 15,000 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 14,000 के अंदर आ जाता है। वही पे बात किया जाए 12GB 256GB का, तो उसकी करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद वो भी 15,000 के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी ब्रांड को बाय कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस है IQOO की तरफ से IQOO G7S 5G, इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट 5G स्मार्टफोन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक इसके सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे मिलने वाला है 6.38 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। हाँ दोस्तों AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है इस प्राइस पॉइंट पे। और दोस्तों ये AMOLED डिस्प्ले है, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। वही पे आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1300 नीट पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा, तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। और दोस्तों बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल जाएगा, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा विथ OIS। हाँ दोस्तों OIS की सपोर्ट भी दिया गया है। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट
कर सकते हो। वहीं पर बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जिसे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट मिल जाएगा, जो 6nm पे बेस है। और ये एक 5G चिपसेट है, जिसके एंटू स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी होने वाला है। तो आप अगर गेमिंग के लिए भी इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिल जाएगा। बेस वेरिएंट 6GB प्लस 128GB होगा। वहीं पे आपको हायर वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4500mAh का बैटरी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 44W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से 1 to 50% चार्ज सिर्फ 24 मिनट पे हो जाएगा। और दोस्तों सिक्योरिटी पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी मिल जाता है। डिवाइस काफी हल्का है, सिर्फ 172 ग्राम इसकी वेट है। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर, जैसे ही देख सकते हो फीचर आपको काफी तगड़े मिलने वाले। तो आप अगर ढूंढ रहे हो एक कैमरा सेंट्रिक मोबाइल, या फिर गेमिंग मोबाइल, या फिर एक ऑलराउंडर मोबाइल, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, वॉइस की सपोर्ट भी मिल जाता है, काफी अच्छे परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। तो मुझे लगता है अंडर 15,000 पे वन ऑफ द बेस्ट एक डिवाइस है, तो आप इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। तो बात करें इसकी प्राइस की, तो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस 14,999 मतलब 15,000 है। वहीं पे 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस 16,000 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो। तो दोस्तों डिवाइस का नाम है Samsung Galaxy M34 5G। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा रियर पे, जब पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है विद OIS। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप 4K 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो कैमरा क्वालिटी काफी तगड़े होने वाला है। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों फ्रंट और रियर की दोनों कैमरा काफी अच्छी है। और दोस्तों जैसे कि पता है सैमसंग की मोबाइल उसके कैमरा क्वालिटी के बारे में जाने जाते हैं, तो इस मोबाइल की कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है Exynos 1280 5G चिपसेट, जो 5nm पे बेस है। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 6GB रैम और 128GB रोम भी मिल जाएगा। और दोस्तों इस डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी होने वाले, यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 निट पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी है। और दोस्तों और एक चीज इस मोबाइल की अच्छी लगी, यहाँ पे आपको 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 25W फास्ट चार्जिंग। सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों सैमसंग की इस मोबाइल पे आपको 5 ईयर के अपडेट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए ये मोबाइल काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते है। वहीं पे बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 16,500 के आसपास रहता है, पर कोई भी सेल आता है तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, और इसकी जो प्राइस वो 15,000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पर आप अगर एक 5G बेस्ट कैमरा मोबाइल को ढूंढ रहे हो तो इसके साथ आप जरूर जा सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला G54। तो इस प्राइस पॉइंट पे एक काफी अच्छा से कैमरा डिवाइस है। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का विद OIS मिलेगा। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको OIS की सपोर्ट मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी ब्रांड OIS को प्रोवाइड करता, पर आपको इस डिवाइस पे मिल जाएगा। दोस्तों आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको रियर पे 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है।
वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। इस मोबाइल की फोटो और वीडियो की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ी है। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 5G चिपसेट जो 6nm बेस है। और दोस्तों इसकी जो एंटीटू स्कोर वो करीब करीब 4 लाख से भी ज्यादा है, तो काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला 8GB का मैसिव रैम और 128GB का रोम, जो प्राइस के हिसाब से मुझे लगते हैं काफी ज्यादा है। और बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा 33W फास्ट चार्जिंग की साथ। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर मिलेगा, IP52 के वाटर रेजिस्टेंस मिलेगा, और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मिलने वाला है। और दोस्तों ये जो डिवाइस है ये एंड्रॉइड 13 पे रन होगा। और दोस्तों ये एक 5G डिवाइस है, और मुझे पर्सनली यहाँ पे एक चीज अच्छी लगी, यहाँ पे आपको मिलने वाले 12 5G बैंड, जो काफी अच्छी बात है। कोई भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आपको इस डिवाइस में नहीं आएगा। दोस्तों ये तो गए इसके सभी फीचर, अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसकी जो बेस वेरिएंट 8GB प्लस 128GB उसका प्राइस 14,000 है, पर अभी यहाँ पे देख सकते हो 1,400 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसकी जो प्राइस वो 12,600 हो चुका है। इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंट्रिक 5G मोबाइल है, तो आप अगर लेना चाहते हो इसे जरूर ले सकते हो। और जो 12GB 256GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइस अभी 15,000 है, वहाँ पे भी आपको 1,400 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा।